हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूँ पोकेमोन जी की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज एपिसोड 135 के बारे में। इस एपिसोड में हमें क्या खास लगा, ये बेसिकली रिव्यू वीडियो होने वाली है, यानी कि इसमें पहले रिकैप करेंगे, उसके बाद गुड और बैड थिंग को डिस्कस करेंगे। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एस प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है, वहाँ अपने सारे पुराने पोकेमोन से मिलता है। ओक से मिलता है, ओक अपनी पोएट्री सुनाता है और एस फैसला कर लेता है कि मुझे जर्नी में आगे बढ़ना है। तभी डालिया कैचम आती है और उसको अपना लंच बॉक्स दे देती है। एस पूछता है, आपको कैसे पता लगा कि मुझे इसकी जरूरत है? तब वो कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे नहीं पता होगा क्या। और सेम चीज गो के साथ होती है। गो भी अपनी जगह पे जाता है, वहाँ उसके पुराने पोकेमोन मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं म्यू से मिला और मुझे काफी अच्छा लगा और तुम सबका शुक्रिया जो तुमने मेरी हेल्प की है। फिर वो एक लकड़ पे आके बैठ जाता है और तभी वहाँ क्लोई आ जाती है। तब वो क्लोई को बताता है कि मुझे एस की तरह बनना है, एस ने हर रीजन में सफर किया है और मुझे भी इसके साथ सफर करना है। मुझे काफी अच्छा लगता है एस का सफर करना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना और काफी नई चीजें लर्न करना। पोकेमोन के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना। तभी वहाँ एस आ जाता है और स्माइल दे के कहता है, गो तुम्हारा प्रॉमिस भूल गए क्या, हमने कहा था। गो कहता है, हाँ मुझे पता है कि हम जब भी मिलेंगे तो स्माइल के साथ मिलेंगे। फिर क्लोई कहती है कि हम कैंपिंग के लिए लेट हो जाएंगे, हमारी बस निकल चुकी होगी। तब वो जाते हैं एक जंगल में, उतरते हैं, वहाँ कैंपिंग करेंगे। यहाँ कई तरह के पुराने पोकेमोन दिखाए जाते हैं जो सिर्फ कैंटो रीजन में पाए जाते हैं। फिर गो कुछ पोकेमोन के पोकेडेक्स एंट्री के बारे में बताता है, जिसमें से डर्ट्रियो के बारे में बता रहा होता है। तो क्लोई कहती है कि ये तुमने पहले ही बताया था जब हम छोटे थे। फिर ग्रू के एक पेड़ पर चढ़ता है जहाँ पर एवरा बैठा होता है। तो गो याद करता है उस पल को जब उसे एवरा पहली बार दिखा था, वो टेलीपोर्ट हो जा रहा था और गो उसके पीछे कर जा रहा था। रास्ते में से राउलेट भी दिखता है, यानी कि इस एपिसोड में फोकस सिर्फ पोकेमोन्स पे किया गया है। फिर उसने बताया कि मैं उसके पीछे करते गया और उसने मुझे फॉरेस्ट का एडवेंचर करा के वापस घर पे ले आया और खाली टाइम में वो हमेशा मेरे साथ खेलता था। तब क्लोई पूछती है, एस क्या तुम्हारी ऐसी कोई मेमोरी है? वो कहता है, ऐसी तो नहीं। फिर सब हैरान हो जाते हैं, क्या सच में ऐसी नहीं? नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मेरे काफ़ी सारे पोकेमोन दोस्त थे जिनसे मैं और दोस्ती करना चाहता था। ऐसे करके मैं बहुत सारे पोकेमोन को अपना फ्रेंड बनाना चाहता था, जिसमें से मेरा ध्यान सिर्फ पोलिटोड ने खींचा है, क्योंकि पोलिटोड एक और ऐसा देखा गया है रेड के पास जिसका पहला पोकेमोन था। और ऐसे मेमोरी में भी ये पोलिटोड दिखाया गया है, जिसे हो सकता है कि रेड इसके फादर हो सकते हैं या फिर इसके टाइमलाइन का ही कोई और पोकेमोन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पोलिटोड को दिखाने का मतलब बहुत बड़ा ईस्टर एग हो सकता है। अरे पोलिटोड नहीं, पोलीवॉल। पोलिटोड तो ये है जो आगे आया है। और पोलिटोड यहाँ पर बैटरी इकट्ठा कर रहा होता है, तभी स्पीयरो को लग जाता है। स्पीयरो को फिर अटैक करने वाला था, पिकाचू से भगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक आइकॉनिक सीन जो ये है। इसके बाद वो भागता है और आपको पता होगा कि क्या हुआ, ये तो आपने देखा ही होगा। तब क्लोई कहती है कि एस और पिकाचू तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और गो भी कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है, ये दोनों ही जिद्दी हैं और काफ़ी कमाल के हैं। तब एस बताता है कि मेरे साथ पिकाचू काफ़ी लंबे समय से है, मैंने कई बार पोकेमोन को देखा है, कुछ को गुड बाय भी कहा है, लेकिन पिकाचू मेरे साथ हमेशा रहा है, ये मेरा नंबर वन पार्टनर है। तब क्लोई कहती है, तुम्हारे पास भी एक पार्टनर है गो, वो है सिंड्रेस। तब गो याद करता है कि सिंड्रेस उसे कैसे मिला, उसने कैसे कैसे बैटल की और कैसे इवॉल्व हुआ, हम दोनों ही एक जैसे थे, इसने मेरी हमेशा ही मदद की है। और फिर वो कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बना। तब क्लोई कहती है कि तुम पहले अकेले रहना पसंद करते थे और तुम कहते थे कि मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम चेंज हो चुके हो, ये सारा कमाल एस का है। तब एस बोलता है, तुम भी तो काफी बदल गई हो, तुम्हें पहले पोकेमोन पसंद नहीं थे और अब देखो ईवी को तुम खो नहीं सकती। तुमने ईवी के सारे नेचर के बारे में जाना, उनके ट्रेनर की बॉन्डिंग के बारे में जाना और ये काफी कमाल की बात है कि तुमने भी ईवी को काफी अच्छे समझा। ये शायद इत्तेफाक होगा या हमारी डेस्टिनी, लेकिन पोकेमोन्स तुमने हमें चेंज कर दिया। उसके बाद गो कुछ कहना चाहता है एस को, लेकिन शांत हो जाता है। वो बोलना चाहता है कि उसके साथ सफर करना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। लेकिन वो बोलता है, कितनी कमाल की रात है। तब एस बोलता है, गो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं जर्नी पे जा रहा हूँ पिकाचू के साथ। गो बोलता है, अचानक से तुम जर्नी पे क्यों जाना चाहते हो? तब एस हैरान हो जाता है कि तुमने डिसाइड कैसे कर लिया मेरे बिना, क्या हम दोनों दोस्त नहीं है? बस ये कह के गो भाग जाता है, उसके पीछे सिंड्रेस भी जाता है और फिर सभी इसको ढूंढने लगते हैं। क्लोई बताती है कि एस वो तुम्हारे साथ जाना चाहता था, वो बस कह नहीं सकता, लेकिन वो तुम्हारे साथ ही जाना चाहता है। उसने कहा था कि अगर वो ऐसा करता है तो वो धोखा दे रहा है हमारी दोस्ती को, इसलिए उसने पहले डिसाइड नहीं किया कि वो कहाँ जाना चाहेगा। और जहाँ वो मिलते हैं वहाँ पर बटरफ्ली बन रहे होते हैं और मेटापोर्ट के कोकून वहीं छूटने लगते हैं। तो एस उसे समझाता है कि हमें ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो बटरफ्ली के इतने कमाल के एवोल्यूशन को देखने के बाद गो कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ। एस कहता है, क्या नहीं भूले? कि तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए था। क्या पूछना चाहिए था? तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था, एस मैं तुम्हें मिस करूंगा। फिर एस कहता है, तुम्हें तो खुद सोचना चाहिए था कि कहाँ जाना है तुम्हें। पर ऐसा करके उनकी बहस चल रही होती है, लेकिन गो समझ चुका है कि अब हमें अलग अलग होना ही पड़ेगा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन तभी रोटोम फोन बजता है, उसमें दिखाई देता है
लुगिया, और फिर लुगिया भागने लगता है। ये दोनों पकड़ने जा रहे होते हैं। ऐश कहता है कि मुझे इसे बैटल करनी है, और गो कहता है कि मुझे इसे पकड़ना है। और इस तरह यहाँ पर रेड बैटल स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में। तो पहले बात कर लेते हैं इसके गुड पॉइंट्स की। तो पुराने पोकेमोन को दिखाया गया वो काफ़ी कमाल का था, पुराने कॉल बैक भी बहुत ज़्यादा कमाल के लगे। इसके अलावा गो का जो कैरेक्टर बिल्डअप किया है वो बहुत अच्छे से किया है, कि इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, एक अच्छा फ्रेंड के तौर पर दिखाया है इसे। और ये कंडीशन हमें पहले देखने को मिली थी एस और ब्रोक और मिस्टी के साथ, जब एस इन्हें मिस करके जा रहा था तो एस के हाथ भी ऐसे ही हो रहा था जैसा गो के हाथ अभी हो रहा है। इन दोनों की फीलिंग काफी सेम है। और क्लोई का भी कैरेक्टर बिल्डअप मुझे काफी कमाल का लगा। यहाँ पर मुझे लगी कि ये पोकी गर्ल है, इससे पहले ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए आती थी या चली जाती थी, लेकिन पोकी गर्ल वाली फीलिंग इसी एपिसोड में आई है, क्योंकि इसने दो फ्रेंड्स को मिलाया है, दोनों की बातों को अच्छे समझा है, और बीच में जो डायलॉग आए हैं वो सारे के सारे कमाल के थे, जिस कारण से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा मुझे। और बैड थिंग सिर्फ यही लगी मुझे कि जब स्पीरो का अटैक हुआ तो पिकाचू को भागना नहीं था, उसे अच्छे से लड़ना था, वो इन्जॉय कर सकता था बैटल को, और ये दिखाया जा सकता था कि अब वो पहले ऐसा नहीं रहा है, अब उसे भागने की जरूरत नहीं है, अब वो काफ़ी अच्छे लड़ता भी है और इन्जॉय भी करता है बैटल को। या फिर यहाँ पर पिजियोट को आना चाहिए था, एक इतने लंबे समय के बाद अब पिजियोट वापस आता तो बहुत ज़्यादा कमाल का होता, क्योंकि पिजियोट के आने से यहाँ पर बहुत सारे वाइब्स आती और बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाती। पिजियोट की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और फैंस चाहते भी हैं कि वो वापस आए, और इस तरह वापस आता तो काफ़ी कमाल का था। या फिर बटरफ्ली के टाइम पे बटरफ्ली को भी दिखाया जाता तो काफ़ी कमाल का लगता। बस कुछ पोकेमोन के कॉल बैक की कमी थी, वरना ये एपिसोड काफ़ी कमाल का था। तो इस एपिसोड को मैं 10 में से 9 मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पोकेमोन के कॉल बैक की कमी थी, जो सिर्फ 2 या 3 पोकेमोन होने चाहिए थे। इसके अलावा ये एपिसोड पूरा कमाल का लगा मुझे। इसमें जो डायलॉग थे बहुत ही सोच समझ के लिखे गए हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस हफ्ते में सिर्फ यही वीडियो आएगी, क्योंकि मेरे पेपर अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद मैं रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। वैसे भी हमें अपनी सीरीज कंटिन्यू करनी है सिनो वर्सेस होइन की, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, जो आपको एंड स्क्रीन पर दिख रही होगी।